आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। In which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं, ये भी आपका डिशवॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे।